गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशुतोष रंजन है और मैं ग्रेजुएट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बताने वाला हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, पॉइंट होता क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट इज ए सर्कल। पॉइंट इज ए सर्कल, आपको लग रहा होगा कि पॉइंट सर्कल कैसे है। पॉइंट इज ए सर्कल विथ जीरो रेडियस, यानी कि पॉइंट एक सर्कल है जिसका रेडियस जीरो है। कोई भी हम लोग सर्कल बनाते हैं तो उसका एक सेंटर होता है और उस सेंटर से चारों तरफ जो हम लोग लाइन खींच देते हैं, बना देते हैं, उसको सर्कल बोलते हैं। इसका इस भाग को हम लोग रेडियस बोलते हैं। रेडियस को यदि जीरो कर दिया जाए, यानी कि सिर्फ जो पॉइंट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर पॉइंट। जो रेडियस जिसका सर्कल का जीरो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट। या इसको हम लोग ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि पॉइंट इज ए लाइन विथ जीरो लेंथ, यानी कि एक ऐसा लाइन जिसका लंबाई ना हो या लंबाई जीरो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। देखिए, पॉइंट में, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हम लोग को कुछ बेसिक चीजों पे काम करना है, कुछ बेसिक बात की जानकारी रखना है। और वो बेसिक बात यह है कि हम लोग बचपन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते आए हैं। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में काम करता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग एक्स बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं। इसी को हम लोग को प्लेन में समझना है, यानी कि 3D में समझना है। इसका हम लोग 3D पार्ट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। यह आपका 3D मॉडल है जिसमें जो ग्राउंड के पैरेलल है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और डिनोट किया जाता है HP से, जो ग्राउंड के पैरेलल है। और जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, VP। और ये जो होता है ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ग्राउंड के परपेंडिकुलर। दोनों HP और VP को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन या रेफरेंस प्लेन भी बोला जाता है, प्रिंसिपल प्लेन या रेफरेंस प्लेन भी। ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन और HP VP जो है वो दोनों 90 डिग्री पर मिला हुआ रहता है, 90 डिग्री पर मिलता है। ये दोनों जहां पे मिलता है वहां पे एक रेफरेंस लाइन जनरेट होता है जिसको कि XY लाइन से डिनोट किया जाता है, XY लाइन से डिनोट किया जाता है। इसको हम लोग मॉडल में समझेंगे, जब तक ये नहीं समझ पाएंगे हम लोग आराम से हम लोग पॉइंट का प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मैं एक मॉडल लाया हूं, ये आपका ये मॉडल है जिसमें ये HP है और ये VP है। HP और VP में ए जो होता है, बचपन में भी जब हम लोग पढ़ते होंगे तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मानते थे। उसी तरह से यहाँ पे भी इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग मानते हैं। यहाँ पे भी मॉडल में बना हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट जो रखा हुआ रहेगा उसका जो एड्रेस बताया जाएगा, लोकेशन भी और VP पे किया जाता है। तीन चार बातें याद रखना है हम लोग को कि कोई भी चीज यदि HP से ऊपर है उसको हम लोग बोल देंगे above the HP। क्या बोलेंगे, above the HP। यदि आपका HP से कोई भी चीज ऊपर है तो उसको हम लोग, यदि HP के नीचे है तो उसको बोलेंगे बिलो द HP, HP के नीचे, बिलो द HP। और यदि VP के राइट साइड में है, VP के राइट साइड में है तो उसको हम लोग बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP। और यदि VP के लेफ्ट साइड में है तो उसको बोलेंगे हम लोग बिहाइंड द VP, यानी कि VP के पीछे। एक हम लोग एग्जांपल के तौर पे पॉइंट ले रहे हैं, जस्ट लाइक इसको पॉइंट एज्यूम कीजिए
और इस पॉइंट को यदि हम लोग यहां पे रखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखें तो इसको हम लोग लोकेशन क्या बता सकते हैं कि अबव द एचपी है और इन फ्रंट ऑफ वीपी है। उसी तरह से यदि सेकंड क्वाड्रेंट में इस पॉइंट को रखा जाए तो इसको हम लोग क्या लोकेशन बताएंगे, अबव द एचपी और बिहाइंड द वीपी, यानी कि एचपी से ऊपर है और वीपी के पीछे है। यदि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में इसको रखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसको क्या बोलेंगे, बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी, बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी, यानी कि एचपी से नीचे ये पॉइंट है और वीपी के पीछे है, वीपी के पीछे है। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें तो इसका लोकेशन क्या बताएंगे, बिलो द एचपी, एचपी से नीचे और इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि वीपी के सामने। इस तरह से हम लोग लोकेशन देंगे जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड किसी में भी हो, तो इसको हम लोग मॉडल में भी समझ लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो ये दोनों मिल रहा है यहाँ पे एक लाइन बन रहा है, इस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन और एक्स वाई से डिनोट किया जाता है, एक्स वाई से, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से। जब हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं तो एचपी जो है हमेशा 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी कि इस तरह से है तो एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो एचपी ऊपर आ जाता है, एचपी नीचे आ जाता है। इसको हम लोग और अभी समझेंगे, इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इससे एचपी से यदि कोई भी चीज ऊपर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अबव द एचपी, अबव द एचपी, और यदि राइट साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि वीपी के सामने, इन फ्रंट ऑफ वीपी। और यदि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो अबव द एचपी, एचपी से तो ऊपर ही है, तो यहां पे भी क्या हम लोग बोलेंगे, अबव द एचपी। और यदि लेफ्ट साइड में है तो क्या बोलेंगे, बिहाइंड द वीपी, यानी कि वीपी के पीछे, बिहाइंड द वीपी। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में है, एचपी के नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे, बिलो द एचपी, यानी कि एचपी के नीचे, बिलो द एचपी। और वीपी के वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट साइड में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिहाइंड द वीपी, मतलब वीपी के पीछे, बिहाइंड द वीपी। फोर्थ क्वाड्रेंट के यदि हम लोग एड्रेस की बात करें तो इसमें हम लोग क्या एड्रेस बताएंगे, यदि एचपी से देख रहे हैं तो एचपी से नीचे आ रहा है तो क्या बोलेंगे, बिलो द एचपी, क्या बोलेंगे, बिलो द एचपी। और यदि इसके राइट साइड में है, वीपी के राइट साइड में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि वीपी के सामने, इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि वीपी के सामने। यदि आपके पास एक कंसेप्ट आ जाएगा तो आप इजीली इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। अभी और कुछ चीजें समझना है, जैसे सपोज कीजिए कोई हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, जो पॉइंट यहां पे ले रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट का कुछ एक्चुअल नाम देंगे, ए नाम दिए ए इस पॉइंट का। अब ए पॉइंट को हम लोग नाम देंगे ए, तो इसका लोकेशन बताना पड़ेगा कि एचपी से ऊपर है, वीपी के सामने है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, लेकिन एचपी से ऊपर कह देने से काम नहीं चलेगा, एचपी से ऊपर है तो कितना ऊपर है तो उसको हमको बताना पड़ेगा, 10 mm, 20 mm, 30 mm, कुछ भी हो सकता है, 20 mm, 30 mm, 50 mm, जो भी सवाल में दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग को करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, जो आपका ये डिस्टेंस आपको एचपी से दिया हुआ है, सपोज कीजिए कुछ भी है, एग्जांपल के तौर पे हम 15 mm ले रहे हैं, 15 mm, उसके बाद वीपी के सामने है, सही बात है, वीपी के सामने है, लेकिन कितना सामने है तो उसको भी हम लोग को बताना पड़ेगा। वो समझ लीजिए अभी एग्जांपल के तौर पे 20 mm, तो यहां से 20 mm के डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ से जो हम लोग देखेंगे राइट साइड के एंड से, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट एंड व्यू, और जो टॉप से देखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। यदि इस पॉइंट को इस तरफ से लाइट दिया जाए
तो लाइट देने पर इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा यानी कि छाया जो बनेगा, शेडो जो बनेगा, वो वीपी प्लेन के रिस्पेक्ट में बनेगा, वीपी पे बनेगा। तो इसका जो बनेगा आपका जस्ट जहां पे है उसके सामने में यहां पे आकर के कहीं इस प्लेन पे एक प्रोजेक्शन बनेगा। उस प्रोजेक्शन को हम लोग फ्रंट व्यू बोलेंगे, इस पॉइंट का फ्रंट व्यू बोलेंगे जो वीपी पे बन रहा है। और वीपी पे बनने के बाद इसका जो नाम देंगे, जो डिनोट करेंगे इसको, जो एक्चुअल नाम दिया हुआ रहेगा, एक्चुअल नाम का लोअर केस के साथ यानी कि स्मॉल लेटर के साथ डैश दे करके नाम को डिनोट करेंगे। तो ए नाम है एक्चुअल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्मॉल ए और ए डैश, तो ए हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रंट व्यू। उसके बाद जब इसको हम लोग टॉप से देखेंगे, जब हम लोग टॉप से देखेंगे तो जो नीचे सामने आकर के एक प्रोजेक्शन बनेगा, उस प्रोजेक्शन को हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। और ये जो टॉप व्यू रहेगा इसका जो नाम देंगे, नाम डिनोट जो करेंगे, जो एक्चुअल नाम दिया हुआ रहेगा उसका स्मॉल लेटर यानी कि सिर्फ ए, डैश नहीं लगाना है, इसको हम लोग टॉप व्यू बोलेंगे, टॉप व्यू। अब हम लोग करेंगे क्या, इसी तरह से इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया। यदि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि इसको हम लोग को 2D में रिप्रेजेंट करना है, जनरली 2D में ही रिप्रेजेंट करना रहता है, तो हमने क्या बोला था कि प्रोसेस क्या है कि HP जो है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करता है। तो HP जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस पे समझिए पॉइंट आपका यहाँ पे रखा हुआ था, इस जगह पे पॉइंट रखा हुआ था एबव द HP और इन फ्रंट ऑफ VP। एबव द HP कितना mm है, 15 mm, और इन फ्रंट ऑफ VP कितना है, 20 mm। सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए रखा हुआ है, आप लाइट इधर से दे रहे हैं तो इसका जो शेडो बन रहा है, छाया बन रहा है, VP पे जस्ट सामने यहाँ बनेगा। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पॉइंट से डिनोट कर दे रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे बना, यहाँ पे बना। उसके बाद इस पॉइंट को यदि हम लोग टॉप से देखें तो ए यहाँ पे बना आकर के, सीधे पॉइंट से डिनोट कर दिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या किए, HP जो है क्लॉकवाइज, जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ था एबव द HP 20 mm, 15 mm एबव द HP, आपका जो 15 mm एबव द HP, तो ये जो लाइट शेडो इसका बना वो 15 mm ऊपर जाकर के VP पे बना है, और इन फ्रंट ऑफ 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP था, तो इसका जो टॉप व्यू बना है 20 mm आपका VP के सामने जाकर के ये पॉइंट नीचे वाला बना है। ये आपका फ्रंट व्यू था FV, और जो नीचे बना था वो टॉप व्यू है। इसका जो फ्रंट व्यू था उसका नाम जो हम लोग दिए थे A-, स्मॉल A- दिए थे, स्मॉल A-, और जो नीचे टॉप व्यू बना था उसका नाम जो हम लोग दिए थे A दिए थे। उसके बाद हमने क्या बोला था कि HP जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट होगा, तो अभी जिस पोजिशन पर है उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ से रोटेट होगा, और 90 डिग्री जब रोटेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो XY लाइन के 2D में यदि हम लोग कन्वर्ट कर दिए तो XY लाइन के ऊपर में आपका फ्रंट व्यू और XY लाइन के नीचे में टॉप व्यू। जो आपका HP से डिस्टेंस दिया हुआ था वो डिस्टेंस फ्रंट व्यू में चला गया, और जो आपका VP से डिस्टेंस दिया हुआ था वो आपका टॉप व्यू में डिस्टेंस आ गया। समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वाड्रेंट में भी हम लोग इस तरह से करके देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, समझिए। सपोज कीजिए इस क्वाड्रेंट में आपका कहीं यहां पे पॉइंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं यहां पे पॉइंट है आपका ए, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं क्यू। जो एक्चुअल नाम ऑलवेज जो हम लोग देंगे वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, तो क्यू नाम दे दिए। इस क्यू लेटर से हम लोग इसका जब प्रोजेक्शन डालेंगे, हमारा जो लाइट रहेगा वो यहीं पे रहेगा। थोड़ी देर के लिए हम लोग मानेंगे कि जो आपका प्लेन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जिसके आर पार दिखाई दे, तो ये ट्रांसपेरेंट है। और जब इसका हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इसका जो इधर तो कोई प्लेन नहीं है, तो जो इसका जो शेडो बनने वाला है इस प्लेन के रेफरेंस रिस्पेक्ट में बनेगा, तो इसका जो रिस्पेक्ट में बनेगा जस्ट इसके सीध में यहाँ पे आकर के बनेगा।
और इसका जो हम लोग नाम देंगे, एक इधर से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे थे, तो जब भी हम लोग राइट साइड से देखने के बाद जो हमारा शैडो बनेगा उसको हम लोग ऑलवेज फ्रंट व्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू बना, इसका नाम हम लोग स्मॉल क्यूब जो एक्चुअल नाम दिया हुआ है, और विथ डैश, तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। उसके बाद यदि ये टॉप व्यू वाला व्यू यहां से यदि हम लोग देखेंगे तो इसके जस्ट सिध में यहां पे आकर के इसका जो व्यू बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू, और ये जो टॉप व्यू रहेगा इसका नाम हम लोग क्यू देंगे, विदाउट डैश, डैश नहीं देना है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट होगा। सपोज कीजिए ये जो डिस्टेंस दिया हुआ था, ये जो डिस्टेंस एचपी से जो डिस्टेंस दिया हुआ था वो 20 mm दिया हुआ है, और जो वीपी के बिहाइंड दिया हुआ था वो कितना mm दिया हुआ है, 30 mm दिया हुआ है। सपोज कीजिए 30 mm डिस्टेंस दिया हुआ था। अब जब हमने इसको प्रोजेक्शन जो 20 mm एचपी से जो डिस्टेंस दिया हुआ था इसका जो लाइट पड़ा तो यहाँ पे 20 mm होगा एक्स वाई लाइन से भी, और यदि इसको हम लोग 30 mm यहाँ डिस्टेंस था तो ये जो बना यहाँ से ये जो प्रोजेक्शन आया 30 mm यहाँ पे भी होगा, और जब ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करेगा तो एक्स वाई लाइन के रिस्पेक्ट में ये इससे 30 mm ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 30 mm का रेडियस लेकर के घूमेगा, और ये 20 mm है यानी कि 10 mm इस बिंदु से ऊपर, यानी कि एक्स वाई लाइन से 30 mm और एक्स वाई लाइन से 20 mm पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, और एक्स वाई लाइन से 30 mm ऊपर में आपका क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में समझते हैं। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि हम लोग इसको समझें, सपोज कीजिए इसको हम लोग एज ए पॉइंट ट्रीट कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट अपना ये है और ये यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है इस जगह पे, जो जो 20 mm एबव द एचपी है और 30 mm बिहाइंड द वीपी है। सेकेंड क्वाड्रेंट का लोकेशन हम लोग यही दिए थे, एबव द एचपी और बिहाइंड द वीपी। तो एबव द एचपी कितना, तो 20 mm एबव, तो 20 mm एबव द एचपी और 30 mm बिहाइंड द वीपी, यहाँ पे पॉइंट है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यदि इसको हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं यहां से देख रहे हैं तो इसका जो शेडो बनने वाला है वो इस प्लेन पे बनने वाला है, इस प्लेन पे सपोज कीजिए यहाँ पे बन रहा है आपका, इस यहाँ पे बन रहा है, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, तो जो ऑलवेज इसका कैपिटल लेटर से हम लोग नाम जो क्यू दिए थे उस क्यू का स्मॉल लेटर विथ डैश, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए क्यू डैश। उसके बाद ये कितना एमएम ऊपर गया है, तो जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ था कि एबव द एचपी कितना एमएम एबव था, 20 एमएम, तो 20 एमएम एबव यहाँ पे जाकर के इसका शेडो बनेगा। और यदि हम लोग इसको 30 एमएम बिहाइंड द वीपी है यानी कि वीपी से 30 एमएम पीछे है, तो ये जो ऊपर से जब हम लोग देखेंगे तो ये 30 एमएम इससे 30 एमएम है, तो 30 एमएम नीचे जाकर के यहाँ पे पॉइंट कहीं बनेगा, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, इसका जो नाम देंगे वो क्यू देंगे, टॉप व्यू हो गया। और जब एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करेगा तो यहां से रोटेट करने के बाद ये ऐसे जाएगा, तो ये इस तरफ से यदि रोटेट होगा आपको ये ट्रांसपेरेंट नहीं इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे है टॉप व्यू, और टॉप व्यू जब रोटेट हुआ तो टॉप व्यू ऊपर चला गया है और उसके नीचे आपका फ्रंट व्यू रह गया। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में करेंगे। यदि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लोकेशन देते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में देते हैं बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी, बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी। सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए ये पॉइंट हम लोग यहां पे ले रहे हैं, इस पॉइंट का हम लोग कोई भी डिस्टेंस लेते हैं बिलो द एचपी, सपोज कीजिए 10 mm बिलो द एचपी है, और बिहाइंड द वीपी है इसको भी हम लोग सपोज करते हैं 15 mm। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, यानी कि जो राइट साइड से हम लोग का लाइट रे आ रहा था उस रे को यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाने के बाद इस पॉइंट का नाम हम लोग एम पॉइंट दे रहे हैं, तो कैपिटल एम। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट व्यू बनने वाला है वो इस पॉइंट पे बनने, इस प्लेन पे बनने वाला है, वर्टिकल प्लेन पे, क्योंकि इस पे जो हम लोग ट्रांसपेरेंट प्लेन है और जब लाइट उधर से आएगा राइट साइड से, तो इसका जो
शेडो बनने वाला है वो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में बनने वाला है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए बन रहा है और ये 10 mm बिलो द एचपी था, तो एचपी से 10 mm बिलो ही रहेगा नीचे ही। और उसके बाद इसका नाम जो हम लोग देंगे वो स्मॉल एम डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू है। और जब हम लोग टॉप से यहाँ से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, तो इस पॉइंट को यदि हम लोग देखेंगे तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में एचपी के रिस्पेक्ट में बनेगा। तो इस प्लेन का प्रोजेक्शन जो सीधा बनेगा वो आपका यहाँ पे आकर के बनेगा और इसको हम लोग स्मॉल एम के नाम से डिनोट करेंगे। उसके बाद एचपी ऑलवेज एचपी को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करना है। तो जब हम लोग इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये आपका जो टॉप व्यू था ये ऊपर चला जाएगा और फ्रंट व्यू जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो बनेगा कोई पॉइंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को लिए, ये पॉइंट जो है 10 mm बिलो द एचपी है और 15 mm बिहाइंड द वीपी है। यहाँ पे पॉइंट है, लाइट का ये उस तरफ से आ रहा है, उस तरफ से कहीं इधर से राइट साइड से। तो इसका जो प्रोजेक्शन बनने वाला है वो आपका जितना एमएम नीचे था उतना ही एमएम नीचे इस प्लेन पे बनेगा। इस प्लेन पे यहाँ पे आकर के बना है आपका पॉइंट। इस पॉइंट को नाम हम लोग दे दिए एम डैश, फ्रंट व्यू है। और यदि ये 15 mm बिहाइंड द वीपी है तो बिहाइंड द वीपी 15 mm। तो इसका जब हम लोग टॉप व्यू देखेंगे तो इसका बिहाइंड द वीपी है 15 mm, बिहाइंड द वीपी है 15 mm। तो 15 mm के डिस्टेंस पर ये वाला जाकर के बनेगा यहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद इसका जो नाम देंगे हम लोग एम देंगे और ये जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा एक ही सीध में। यहाँ पे आपका एम डैश यानी कि फ्रंट व्यू और ये जो ऊपर बना वो टॉप व्यू रहा आपका ये XY लाइन के रिस्पेक्ट में। समझ गए? उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट की यदि हम लोग बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, बिलो द एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी है। सपोज कीजिए इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे रखते हैं बिलो द एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी। और यदि हम लोग राइट साइड से देख रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन जो रहेगा वो सपोज कीजिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग ड्रॉइंग में। एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिए, इसका नाम हम लोग दिए पी और इस पी पॉइंट को हम लोग लोकेशन जो बता रहे हैं वो 15 mm बिलो द एचपी और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी रखा हुआ है। 15 mm बिलो द एचपी यानी कि एचपी से 15 mm नीचे और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब वीपी के 30 mm सामने। इस पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट को जो जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे लाइट करें यहां से आएगा तो इसका जो फ्रंट व्यू बनने वाला है वो यहाँ पे कहीं बनेगा, इस प्लेन पे बनेगा। और इस प्लेन पे जो बनेगा उसका नाम हम लोग पी डैश देंगे क्योंकि फ्रंट व्यू यदि हम लोग टॉप से दे रहे हैं तो जो ये 30 mm है 30 mm के डिस्टेंस पर यहाँ बनेगा पी। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे पॉइंट का प्रोजेक्शन में कि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट दिया हुआ है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और पहचानेंगे कैसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि है तो उसमें क्या दिया हुआ रहेगा, एबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, एबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, IVF मतलब इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिनोट किया हुआ रहेगा। एबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी को शॉर्ट में लिख दिया है IFO, इन फ्रंट ऑफ वीपी। यदि आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसमें क्या दिया हुआ रहेगा, एबव द एचपी और बिहाइंड द वीपी, एबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। यदि पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसमें लोकेशन क्या दिया हुआ रहेगा, उसमें लोकेशन दिया हुआ रहेगा आपका बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी, बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी। यदि आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसमें क्या दिया हुआ रहेगा, बिलो द एचपी, बिलो द एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो द एचपी और
इन फ्रंट ऑफ डीपी, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। उसको हम लोग 2D में यदि सवाल दिया हुआ रहेगा तो सोल्व कैसे करेंगे? देखिए, आपको एक्स वाई लाइन यदि दिया हुआ है, यदि हम लोग इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे 3D में, तो हम लोग फर्स्ट में देख रहे थे कि आपका जो फ्रंट व्यू बन रहा था वो ऊपर बन रहा था, उसका टॉप व्यू जो बन रहा था वो नीचे बन रहा था। फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा पॉइंट, और इसको हम लोग डिनोट जो करेंगे, सपोज उसका नाम यदि ए है तो ए डैश से। उसके बाद एक हल्का सा लाइन लेंगे जिसको प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन लाइन बोलेंगे, और उसके जस्ट नीचे में आपका यहाँ पे टॉप व्यू आ जाएगा जिसको ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद आपको डाइमेंशनिंग करना है, तो डाइमेंशनिंग का रूल भी हम समझाएंगे आपको कैसे करना है। अभी के तत्काल के लिए ये समझ लीजिए कि आपको 1 mm जहां पे पॉइंट रहेगा उससे 1 mm जगह छोड़ करके एक एक्सटेंशन लाइन लेना है, इसको हम लोग एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। उसके बाद एक लाइन बनाना है और इस लाइन को एक्स वाई लाइन तक बनाना है आपको, और एक एरो बनाना है। उस एरो का जो रेशियो रहेगा 3:1, यानी कि यहां से यहां तक का जो इसका लेंथ रहेगा वो 3 mm का रहेगा, और जो इसका विड्थ रहेगा ये 1 mm का रहेगा। उसके बाद पूरी तरह से इसको फिल कर देना है, जहां भी हम लोग एरो हेड बनाएंगे इसी रेशियो में 3:1 में बनाना है, और मिडिल में आकर के आपको इसका डायमेंशन लिखना है, चाहे 10 mm हो, 20 mm हो, 30 mm, जो भी हो उसको यहाँ पे लिख देना है। X mm है या Y mm है, जो भी है उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे भी डायमेंशनिंग करना है, तो नीचे भी सीधे उसी लाइन में आपको एक्सटेंशन लाइन बनाना है, उसके बाद एरो हेड बनाना है दोनों तरफ, और फिर से मिडिल में उसका डायमेंशन लिखना है, जो भी है X mm, Y mm, जो भी है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे, ऊपर में आपका फ्रंट व्यू, नीचे में आपका टॉप व्यू, दोनों को एक प्रोजेक्टर लाइन से या प्रोजेक्शन लाइन से हम लोग उसको जोड़ देंगे। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं फ्रंट व्यू, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं आप टॉप व्यू, ठीक है। उसी तरह से यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पॉइंट यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसका हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों जो है एक्स वाई लाइन के ऊपर बन रहा था, तो वो आपका दोनों जो पॉइंट बनेगा वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही बनेगा। हो सकता है कि आपके सवाल में जो डेटा दिया हुआ रहेगा उसके कारण आपका फ्रंट व्यू ऊपर बने और टॉप व्यू नीचे बने, एक्स वाई के तो ऊपर ही बनेगा, लेकिन आपका कौन सा फ्रंट व्यू है कौन सा टॉप व्यू है वो डेटा पे डिपेंड करेगा। आप ये फिक्स नहीं है कि नीचे वाला ही हमको फ्रंट व्यू लेना है और टॉप व्यू जो लेना है वो ऊपर वाला लेना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो आपका ऊपर नीचे दोनों में से हो सकता है, ये डिपेंड करता है जो आपका सवाल में डेटा दिया हुआ रहेगा उस पे। तो इस तरह से हम लोग देंगे इसको, इसका जो डायमेंशनिंग करना है, डायमेंशनिंग हमेशा एक्स वाई लाइन से इसको करेंगे, और उसके बाद फिर आप इसको भी यहां से एक्स वाई लाइन से ही करना है। एक चेन डायमेंशनिंग भी होता है, तो चेन डायमेंशनिंग जब हम लोग डायमेंशन का चैप्टर पढ़ेंगे कि डायमेंशनिंग कैसे किया जाए, तो उसमें पार्टिकुलर समझाया जाएगा कि कौन सा चेन डायमेंशनिंग कैसे होता है। उसमें क्या होता है कि यदि आप ए डायमेंशन यहां से यहां तक 30 mm है, और ए डायमेंशन अपना मान लिया जाए 20 mm है, 30 mm है, तो इसको हम लोग यहाँ के बाद ऐसे लिख करके 10 mm दे सकते हैं, तो बात वही हो जाएगा। इसको हटा करके 30 की जगह 20 + 10, तो ये चेन डायमेंशनिंग में आता है। तो हम लोग दोनों तरह से डायमेंशनिंग कर सकते हैं, जो भी इच्छा हो आप करिए। एरो हेड आपको इसी रेशियो में बनाना है जैसे फर्स्ट में मैंने बताया, और आपको बाकी काम जो है इसी तरह से करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लिख देना है आपको। उसके बाद यदि थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा था कि आपका जो फ्रंट व्यू बन रहा था वो एक्स वाई लाइन के नीचे बन रहा था, और जो टॉप व्यू बन रहा था वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बन रहा था। तो यहाँ पे यदि हम लोग बनाएंगे तो एक प्रोजेक्टर लाइन पे नीचे आपका यहाँ पे आ जाएगा फ्रंट व्यू FV, और जो आपका टॉप व्यू बनेगा ऊपर बनेगा टॉप व्यू, ये आपका जो रहेगा ए से भी नोट करेंगे, और इसका नाम जो है ए डैश से भी नोट करेंगे। उसके बाद डायमेंशनिंग हर किसी में वैसे ही करना है, आपका जो पॉइंट रहेगा जहां पे प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू का या टॉप व्यू का हुआ है
टॉप व्यू का जहां पे प्रोजेक्शन हुआ है वहां से आपको एक से डेढ़ एमएम का गैप छोड़ करके आपको एक एक्सटेंशन लाइन बनाना है। उस एक्सटेंशन लाइन के मिडिल में ये जो एक्सटेंशन लाइन बनेगा वो आपका 5 एमएम तक का लंबा हो सकता है, 3 से 5 एमएम तक का। उसके बाद आपको एरो हेड बनाना है 3:1 का, और दोनों तरफ बनाने के बाद उसको क्या करना है, फिल कर देना है, और मिडिल में आपको जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा 15 एमएम, 20 एमएम, 30 एमएम, 20 एमएम, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, लिखना है। उसके बाद नीचे भी उसी तरह से हम लोग को करना है। तो ये आप लोग कर सकते हैं इजीली, समझ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट यदि है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देखे थे कि उसका जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो बन रहा था वो एक्स वाई लाइन के दोनों नीचे बन रहा था। तो एक्स वाई लाइन के दोनों नीचे हम लोग को बनाना है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू आ गया और यहाँ पे आपका टॉप व्यू आ गया, तो ये जो आपका आएगा फ्रंट व्यू हमेशा डैश से डिनोट करेंगे और इसको स्मॉल लेटर से। यहाँ पे भी डाइमेंशनिंग हम लोग उसी तरह से करेंगे, 30-20 या जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार। आपका यहाँ भी सेम सिचुएशन सेकेंड वाला ही यहाँ पे भी आ सकता है। आपका फ्रंट व्यू हो सकता है कि यहाँ पे रहे और टॉप व्यू उसके जगह पे रहे, वो डिपेंड करेगा आपका डेटा कैसा दिया हुआ है, किस तरह का आपका सवाल में डेटा दिया गया है इस पर। आज मैं आपको सवाल नहीं करवा रहा हूं, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में तो वहां पे आपको इसका सवाल लेकर के हम लोग आएंगे और पूरा का पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। बाकी आपको यदि किसी तरह का दिक्कत होता है थ्योरी में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है उसको पूछिए, और यदि इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। थैंक यू।